हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी नो फॉस्फेट प्लांट के बारे में। ये देखिए, मैंने जमीन में प्लांट लगाया है। ये देखिए, ये मेरा गार्डन है, उसमें मैंने ये प्लांट लगाया है। मैंने पहले इसकी भी वीडियो डाली थी। ये जब मैंने ये गमले में लगाया तो वो मेरा प्लांट बहुत अच्छा चल रहा है। अब मैंने ये मेरा गार्डन है, इसमें मैंने ये प्लांट लगाया है। ये देखिए, अब हमें इस प्लांट को जल्दी से बड़ा हो उसके लिए हमें इसमें फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। आज मैं बताऊंगी कि फर्टिलाइजर किस तरीके से डालना चाहिए पौधों में। और पौधे ज़मीन में तो और ही अच्छे होते हैं। ये बहुत सुंदर प्लांट है। ये देखिए, इसकी पत्तियाँ कितनी अच्छी हैं, ग्रीन ग्रीन, बहुत सुंदर प्लांट लगता है। देखिए, अब मैं बताऊँगी इसमें पहले तो थोड़ा सा गुड़ाई कर दीजिए इस तरीके से, इसमें इस तरीके पौधों में थोड़ी गुड़ाई कर लेनी चाहिए तो उससे और अच्छे पौधे होते हैं। इस तरीके से पौधे के चारों तरफ थोड़ी थोड़ी मिट्टी गुड़ाई कर लीजिए इस तरीके से। अब इस मिट्टी को आप लोग ऐसे तरीके से बाहर निकालिए, ऐसे थोड़ी सी हटा लीजिए। इसमें ज़्यादा नीचे डालने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी इस तरीके से बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये प्लांट ज़मीन में लगा है। और इसमें मैं ये गोबर के खाद का फर्टिलाइजर डालूँगी। ये देखिए इस तरीके से, और फिर देखना ये पौधा कितनी जल्दी ग्रोथ करता हो, बहुत जल्दी बड़ा होगा। इसकी जगह वैसे तो कोई ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये छोटा प्लांट है तो मैं इसकी इस तरीके से गुड़ाई करके इसमें थोड़ा फर्टिलाइजर डाल दूँगी तो और अच्छा जल्दी बढ़ जाएगा। ये 100 पीस प्लांट है, बहुत सुंदर लगता है इस तरीके से। फिर इसकी मिट्टी इस तरीके से पत्तियों को पकड़ लीजिए और इस तरीके से इसकी मिट्टी फिर दबा दीजिए इस खाद को, तो बहुत जल्दी असर करता है इस तरीके से। अब ये देखना कितना जल्दी हुआ। ये थोड़ा बढ़ेगा, मैं 15 दिन बाद फिर इसकी वीडियो आप लोगों को डालूँगी, फिर देखना ये इस तरीके से लगाइए। ये देखिए, इस तरीके से केयर करनी चाहिए प्लांटों को। और देखना बहुत अच्छा ये प्लांट हुआ। इस टाइम बरसात का मौसम है, मैं अपने सब पौधों में इसी तरीके से फर्टिलाइजर डालूँगी। और ये देखिए, मेरा ये प्लांट बहुत अच्छे से बढ़ेगा। आप लोगों को मेरा इस फर्टिलाइजर पर डालना इस प्लांट में अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मैं आगे भी वीडियो डालूँ। नमस्कार।